नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू रिटर्न आर्गुमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स। किसी भी फंक्शंस के अंदर फिजिकली रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार पुट डाउन करना पॉसिबल, लेकिन किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कितनी बार पॉसिबल, ओनली वन टाइम्स। मीन्स अगर किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट फिजिकली प्लेस किए गए, देन एग्जीक्यूशन किसका पॉसिबल, ओनली सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट, नॉट अ ऑल। बिकॉज जैसे रिटर्न स्टेटमेंट को चांस प्रोवाइड हुआ, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड हुआ टू इट्स कॉलिंग प्लेस, और एक बार एग्जीक्यूशन कंट्रोल अगर कॉलिंग प्लेस पर सेंड हो गया, देन वापस आने के चांसेस नहीं। दैट्स वाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन विल बी स्किप्ड। लेट्स सी एग्जाम्पल वन। वन मोर थिंग्स, रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करने के सिंटेक्स कितने से, टू अप्रोच, रिटर्न विद आर्गुमेंट, रिटर्न विदाउट आर्गुमेंट। अगर रिटर्न विद आर्गुमेंट प्रोवाइड किया, देन इसका वर्किंग क्या था, असाइनिंग गिवन आर्गुमेंट वैल्यू इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस। सेम एज अगर रिटर्न विदाउट आर्गुमेंट यूज किया है, देन सिंपली इसका वर्किंग क्या रहेगा, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस। एग्जाम्पल वन, इन दैट केस मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल मेन के अंदर एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट हुआ है कॉल्ड एज वेरिएबल एज रिजल्ट, फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। बिकॉज इस केस में वैल्यू का टाइप फ्लोट लिया, क्योंकि एम1 का मैंने रिटर्न टाइप यूज किया जाए फ्लोट, उससे वैल्यू भी किस टाइप का रिटर्न हो रहा, समथिंग फ्लोट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट वन, जैसे ही M1 फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल सेंड हुआ हेडर ऑफ द M1, देन रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट हुआ अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है इससे एज आउटपुट, मैसेज एज S1। S1 प्रिंट होने के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में फाउंड हुआ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न का वर्किंग क्या है, सेंडिंग गिवन वैल्यू टू इट्स कॉलिंग प्लेस और सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस। जब कॉलिंग प्लेस पर वापस आए, थे रिटर्न वैल्यू 2.5 असाइन किस में जाए, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट। नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 2.5। नेक्स्ट उसके बाद चांस किसको मिलेगा, प्रिंट एफ रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट में से डेसिमल नंबर परसेंट जी से भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल, परसेंट एफ से भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल। फाइनली नेक्स्ट केस में क्या प्रिंट होगा इससे, 2.5। इस केस में ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मीन्स इस केस में इस M1 फंक्शंस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट टू टाइम प्लेस किया, फर्स्ट टाइम टू टाइम, लेकिन ऑलरेडी जब प्रीवियस रिटर्न स्टेटमेंट को चांस पार्ट हुआ था, रिमेनिंग पार्ट प्रोग्राम का स्किप हो चुका है। लॉजिकली इस पर्टिकुलर सेशन को कंसीडर करेंगे या अनरीचेबल कोड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज फाइनली आउटपुट क्या इसका, S1 2.5। नेक्स्ट प्रोग्राम इस केस में रिटर्न यूज किया विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, मीन्स मेन फंक्शंस के अंदर कॉल किया हो रहा है M1, M1 से कंट्रोल सेंड हुआ टू इट्स कॉलिंग प्लेस, सॉरी कॉल्ड फंक्शन। इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले जाएगा जाए S1, देन रिटर्न, रिटर्न से कंट्रोल अगेन का सेंड टू इट्स कॉलिंग प्लेस, देन अगेन फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था, रिमेनिंग रिटर्न या रिमेनिंग पार्ट को चांस पार्ट हुआ क्या, नहीं। सिंपली आउटपुट क्या प्रिंट हुआ इनसे, ओनली S1।